दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार दूध में घी डालकर पीने से कई गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। दूध में घी डालकर पीना हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। घी दूध में मौजूद विटामिन डी को सोखकर हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा घी विटामिन ए और विटामिन के को भी सोख लेता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। गर्म दूध में घी मिलाकर खाने से सिर्फ ये ही फायदे नहीं है, ये शिशु से लेकर बुजुर्गों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। चलिए बात करते हैं इनके फायदों के बारे में। पाचन क्रिया बढ़ाएं। दूध में घी डालकर पीने से आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। घी वाले दूध को पीने से पाचन एंजाइम तेजी से काम करते हैं, जिससे बेहतर पाचन में मदद मिलती है। यदि आपको कब्ज है या पाचन तंत्र कमजोर है तो आप नियमित रूप से घी वाला दूध पीना शुरू कर दें। स्त्रियों के लिए लाभदायक। स्त्रियों में प्रदर रोग की समस्या में गाय का घी रामबाण की तरह काम करता है। गाय का घी, काला चना और पीसी चीनी तीनों को समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बनाकर खाली पेट इनका सेवन करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर करें। आयुर्वेदिक मान्यता है कि एक ग्लास दूध में एक चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से शारीरिक, मानसिक और दिमागी कमजोरी दूर होती है। इसके साथ ही जवानी हमेशा बनी रहती है। काली गाय के घी से बूढ़े व्यक्ति भी युवा समान हो जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं घी का सेवन करें तो गर्भस्थ शिशु बलवान, पुष्ट और बुद्धिमान बनता है। आँखों के लिए फायदेमंद। एक चम्मच गाय के घी में 1/4 चम्मच काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय खाएं। इसके बाद एक ग्लास गर्म दूध पिएं। आँखों की हर तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुंह के छाले का रामबाण नुस्खा। सर्दियों में दिन भर एक बार दूध में घी डालकर पीने से सेहत बन जाती है। दवाओं के कारण शरीर में गर्मी होने पर या मुंह में छाले होने पर भी ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि दूध में घी डालकर पीने से हमारी सेहत में कितने सारे फायदे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने अजीज लोगों तक भी इन फायदों के बारे में ये जानकारी पहुंचाएं, इस वीडियो को उन तक शेयर करें। और इसके साथ साथ हम और भी बेहतर वीडियो आप तक लेकर आते रहें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।